अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब व्यूअर्स खैरियत से होंगे एंड दे आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम 24-25 फॉर्मली स्टार्ट हो चुका है। कुछ स्टेट्स को कोटाज एलोकेट हो चुके हैं और उन्होंने फॉर्मली अपने नॉमिनेशंस भी EOIs भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दी हैं। बिफोर अप्लाइंग फॉर स्किल माइग्रेशन, मेरी ये वीडियो आपने लाजमन देखनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल स्पेशली जो कि स्किल माइग्रेशन खुद परस्यू करते हैं, खुद से अपना सारे स्टेप्स जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, वॉच दिस वीडियो फुल, आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी और आपके लिए ये एक राइट डिसीजन लेने में आपको हेल्प आउट करेगी। देखिए दोस्तों, आप जब भी जिंदगी में किसी भी स्टेप पे आप कोई भी जो है वो अगर काम करने लगते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होती है नॉलेज। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस होता है। इंफॉर्मेशन आपके पास किसी भी चीज़ की हो सकती है, नॉलेज आप स्पेसिफिकली किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर रिसर्च करते हैं और आपको पता होता है कि उस चीज़ की प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं या उसके अंदर कौन सी मिस्टेक्स ऐसी हैं, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है और कहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट फ्रॉम द बिगनिंग, सबसे पहले आपका स्टेप स्किल माइग्रेशन के अंदर जो आता है वो आता है स्किल्स असेसमेंट का। बहुत सारे लोग स्किल्स असेसमेंट के अंदर गलत ऑक्यूपेशन चूज करते हैं, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, एट द एंड दे वेस्ट देयर मनी, दे वेस्ट द टाइम और वो फेल हो जाती है ऑक्यूपेशन, या फिर उनका अपना एक्सपीरियंस पूरा जो है वो नहीं हो सकता, उसको सर्टिफाई नहीं करते हैं, उस एक्सपीरियंस को सॉरी असेस नहीं करते हैं, या फिर उनको उसके पूरे एक्सपीरियंस असेस ना होने की वजह से उनको पॉइंट्स नहीं मिल पाते। नंबर वन मिस्टेक लोग करते हैं ये। नंबर टू मिस्टेक जो कि बहुत मेजर मिस्टेक है, जिसको विच कांट बी अनडन, और वो आपका टाइम बहुत ज़ाया करती है, बिकॉज टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम, दैट इज EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। कहने को तो एक बहुत सिंपल सी बात है, बट वट मोस्ट ऑफ द पीपल डू, वट मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मेक मिस्टेक इन EOI सबमिशन, कि वो लोग गलत पॉइंट्स क्लेम कर देते हैं। लेट्स से एक बंदे ने कहा कि मेरे पास ऑस्ट्रेलियन स्टडी के 5 पॉइंट्स हैं, उसने EOI कर दी सबमिट, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने उसकी जो स्टेट थी उसने उसकी माइग्रेशन ने उसकी EOI कर ली एक्सेप्ट, उसको कहा ठीक है भाई आप आ जाओ नॉमिनेशन के लिए, नॉमिनेशन में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करवाओ। हुआ क्या कि उस बंदे की उस टाइम उसने सोचा था कि 5 पॉइंट्स मुझे मिल जाएंगे और मैं इनको अभी से क्लेम कर देता हूं और जब मेरा नॉमिनेशन का टाइम आएगा तो मेरा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आ चुका होगा, मैं क्लेम कर चुका हूँ पॉइंट्स, मैं उनको यूज़ करके यहाँ पर सेटिस्फाई कर दूंगा वो चीज़ जो मैंने कही। बट इन एक्चुअल होता क्या है रियलिटी में कि बाजू का तुमका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन लेट हो जाता है, कॉलेज की तरफ से कोई चीज़ जो है वो लेट हो जाती है, या फिर कोई भी चीज़, मतलब देयर आर लॉट ऑफ रीजंस कि आपकी जो है वो प्लान्स जो है वो फुलफिल नहीं हो पाते। तो होता क्या है, फिर आपका सर्टेन टाइम होता है EOI को परस्यू करने का, जब आप उसमें उस EOI को परस्यू नहीं करते तो होता क्या है कि वो आपकी EOI वेस्ट, दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम इज मनी। इसलिए EOI में लोग ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं कि गलत एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोग पुट इन कर देते हैं, गलत पॉइंट्स क्लेम करने के साथ साथ गलत एम्प्लॉयमेंट अपनी पुट इन कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत मेजर नुकसान होता है और वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारी रीजंस हैं इसकी वजह से लोगों का टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि अगर आप खुद से ये प्रोसेस परस्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ गेट अ गुड नॉलेज बिफोर सबमिटिंग योर EOIs, बिफोर सबमिटिंग एनी सॉर्ट ऑफ असेसमेंट्स टू द ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, ताकि आपका टाइम बच सके, सेव हो सके और आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेकर आप सक्सेसफुल हो सके। आई होप ये वीडियो मेरे दोस्तों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। स्किल्स असेसमेंट, आपकी एक्सपीरियंस असेसमेंट, आपकी EOIs, देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर स्किल माइग्रेशन 24-25। प्लीज़ उन चीज़ों को जहन में रखिएगा जो मैंने की हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस नहीं की हैं। अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट की जो है वो ऑप्शन दी गई है, वहाँ पर ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर्स गिवन है, आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। फॉलो फॉर मोर।